तो आप मटन और चावल खाएं, अच्छा था? बहुत अच्छा, ऐसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, एकदम टेस्टी है, टेस्टी एकदम, हर चीज मसाला वगैरह सब सफिशिएंट था। We are not satisfied. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं नीतीश एंड कुजीन। तो स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूं मटन हांडी खाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी 2 मटन हांडी के वीडियो आ चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। तो जैसे ही मुझे पता चला कि रांची में एक और मटन हांडी मिलता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को वहाँ लेके चले। तो चलिए, आज आपको लेके चलते हैं मटन हांडी खाने के लिए। और उससे पहले आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप में से जो 10 लकी विनर है वो कौन है, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक क्विज करा था, जिसमें मैंने आप लोगों से 5 सवाल पूछे थे और आप लोगों ने क्या आंसर दिया है। मतलब इतने सारे आंसर्स आए हैं, इतने लोगों ने आंसर्स किया है, तो क्या बताएं। तो मेरे लिए तो आप लोग सभी विनर हैं, लेकिन हमें चुनना होगा आप में से 10 लोगों को। तो आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक लकी ड्रॉ और आप में से ही 10 लोगों को हम लोग एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट देंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो में आपको वो सारे विनर्स मिलेंगे। और एक खास बात आप लोगों को बतानी है, और वो है shirtup.com। सो दोस्तों, ये जो shirtup.com है, ये एक ऑनलाइन लाइफस्टाइल फैशन ब्रांड है, जो कि रांची की ही ब्रांड है, रांची का ही एक स्टार्टअप है ये, और जो कि पूरे पैन इंडिया पे इसकी सर्विस है। मतलब कि आप इंडिया में कहीं पर भी हो, आप shirtup.com से बिल्कुल आप एकदम चीपेस्ट प्राइस पे और ट्रेंडिंग टी शर्ट एकदम लोवेस्ट प्राइस पे आप ऑर्डर कर सकते हो। और ये जो टी शर्ट्स होती है ना, बिल्कुल फ्री डिलीवरी पे आपको मिलता है। तो आप बिल्कुल फ्री डिलीवरी पे आप टी शर्ट्स ऑर्डर कर सकते हो, और इस पर आप मेन विमेन किसी के लिए भी एकदम ट्रेंडिंग टी शर्ट, टैंक टॉप, क्रॉप टॉप, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से ऑर्डर कर सकते हो। और यहाँ पे एक राइट टू चूज़ का सेक्शन है। अब जैसे कि मैं फूडी हूँ, तो मुझे क्या होता है, मुझे फूड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पसंद आते हैं, फूड से रिलेटेड टी शर्ट्स भी पसंद आते हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे राइट टू चूज़ वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। जैसे आप जिम जाते हो, या फिर ट्रैवल, या फिर म्यूज़िक, तो हर फील्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे टी शर्ट्स अवेलेबल होते हैं। मैं इनका जो इंस्टाग्राम का जो पेज है वो भी आपको दिखा दूंगा, आप बिल्कुल इनको फॉलो करना। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफर्स और जो भी कुछ होगा आपको यहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ से शॉपिंग कीजिए। मैं पर्सनली खुद शॉपिंग करता हूँ shirtup.com से, और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ यहाँ के प्रोडक्ट से। तो डेफिनेटली आपको भी बिल्कुल ये अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग चलेंगे आपको लेके मटन खाने के लिए, क्योंकि अब क्या है ना, इतना बोलते बोलते मेरे पेट पे चूहे डाल रहे हैं और मुझे बहुत कस के भूख लग रही है। तो चलिए चलते हैं, मटन ट्राई करते हैं और लुफ्त उठाते हैं गर्मा गर्म मटन का, क्योंकि बहुत भूख लगा है। और ये जो एड्रेस है, मैं आप लोगों को बता दूं, ये है डिबडी बाईपास रोड नियर DPS स्कूल अलकापुरी, और इस जगह का जो नाम है वो है सलीवा हांडी मटन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी हांडी है, और यहाँ जो मटन बनाया जाता है वो हांडी में बनाया जाता है। तो इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत लाजवाब होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हांडी में मटन बन रहा है, क्या टेस्ट है, क्या रेट है, सारा कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए किस तरह से पूरे कच्चा मटन है इसमें, और ये 1 kg है। हाँ, 1 kg। तो इसको अभी आप सील कीजिएगा। हाँ, सील करिए। तो ये पूरा सील हो जाता है ऐसे, और ये पूरा भर के आप रखे हुए हैं। तो, अच्छा, तो इसको अभी आप इसमें लकड़ी के कोयले में रखिएगा। हाँ।
तो देखिए अब दोस्तों किस तरह से इसको सील किया जा रहा है, और इसको 2 घंटे तक के लिए आप छोड़ दीजिएगा। हाँ। तो एक दिन में आप लोग कितना हांडी पकाते हैं? अच्छा चलता है, क्वालिटी अच्छा है, कस्टमर ज्यादा है यहाँ। अच्छा, करीब 5-6 खासी हो जाता है। अच्छा, तो काफी लोग आते हैं खाने के लिए? काफी लोग। सारे लोग पसंद करते हैं? हाँ, सारे लोग, कोई कंप्लेंट नहीं अभी तक। कितने बढ़िया क्वालिटी का है। कितने साल से है ये? 5 साल। 5 साल से है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से लकड़ी के कोयले को तैयार किया जा रहा है पहले, और ये काफ़ी गर्म है, जिसमें कि अभी भैया मटन रखेंगे, और यहाँ पे सारा मटन है। तो ये गया लकड़ी के कोयले पे, और ये 2 घंटे तक पकाना है क्या भैया? 2 से 2.5 घंटा बिल्कुल धीमी आंच पे, मटके पे ये पकेगा। तो दोस्तों देखिए ये पूरी तरह से पकने वाला है अब। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सारा मटन है वो तैयार है, और ये जो है बड़ा हांडी है। हाँ, 1 किलो। 1 केजी का है ये, खोल के दिखाइए थोड़ा, चलाइए। तो ये पूरा जो है ये है 1400 का, और ये पूरी तरीके से पक चुका है। कितना देर लगा भैया इसको पकने में? 2 से 2.5 घंटा लगता है। 2 से 2.5 घंटा लगता है, और ये 1400 का है जी। 1 किलो 1 केजी का है, 1400 का है, और ये जो छोटा वाला है ये 0.5 केजी का है। ये 0.5 केजी का है। अच्छा, और ये कितने का है? ये 700 रुपये है। 700 रुपये का है जी। कितना पीसेस रहता है इसमें? इसमें 10 से 12 पीस होता है। अच्छा, तो भैया यहाँ मटन के साथ और क्या क्या मिल जाता है? और लिट्टी है, पराठा है, लच्छा पराठा है, चावल भी है, तवा रोटी है, चावल है। अच्छा, तो जो भी मटन होता है आप लोग क्या वजन के हिसाब से ही देते हैं? वेट के अनुसार। अच्छा, मिनिमम कितना वजन तक देते हैं? 150 ग्राम। 150 ग्राम, तो 150 ग्राम में कितना मटन आ जाता है? 3 से 4 पीस। 3 से 4 पीस, और उसका प्राइस कितना लगता है? 225 रुपया। अच्छा ठीक है, तो देखिए दोस्तों मटन, ये मटन जो है ये तैयार हो चुका है, तुरंत अभी बनाया गया है, और ये जो मटन है अभी इस पे चढ़ा हुआ है। तो भैया यहाँ का समय क्या होता है, कब से कब का टाइमिंग है? 11:30 हो जाता है तैयारी करते करते। अच्छा, रात में 10 बजे तक। ये वजन हो रहा है, तो तराजू पे तौल के पूरा आपका मटन को वेट करते हैं ये लोग। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हमारा रांची में कोई ब्रांच नहीं है, मतलब कि एक यही केवल है, और ये जो एरिया है यहाँ पे है बैठने का, तो आप आराम से बैठ के खा सकते हो। और हमारे आज के फूड पार्टनर है धीरज। हेलो धीरज। तो लंच का टाइम हो चुका है और भूख लग रहा है, तो मटन रेडी है, बस हम लोग का अब लगने वाला है प्लेट। तो दोस्तों देखिए हमारे पास चावल है, ये फुल प्लेट चावल है 60 रुपये का,
और ये 250 ग्राम मटन है जो कि हमें तौल के मिला है, और इसमें कितने पीस आए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये 350 का आपको पड़ेगा, तो आप देखो एक पीस, दो, तीन पीस, छोटा छोटा है, बहुत बड़ा पीसेस नहीं है, चार और पांच पीस, लगभग छोटा बड़ा मिला के 5-6 पीस आपको मिला है 250 ग्राम में। और ग्रेवी भी है इसमें, जो बोला जा रहा है कि इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला गया है, तो पूरा मटन को हांडी पे डाल के बनाया गया है, तो आप देख सकते हो क्वांटिटी इतनी मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं खाना ग्रेवी के साथ, और आपको दो प्याज भी मिल रहा है यहाँ पे। क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो मुझे जितना प्राइस है उसके हिसाब से क्वांटिटी थोड़ा कम लग रहा है, तो टेस्ट देखते हैं हम। तो मटन का जो टेस्ट है वो मुझे थोड़ा सा लगा कि और बेहतरीन हो सकता था, पर मटन काफी अच्छे से पका हुआ है, काफी सॉफ्ट है, और सबसे खास बात ये होती है कि अगर आप मटन खा रहे हैं तो वो अच्छे से पका हुआ हो, तो ये मटन काफी अच्छे से पका हुआ है, पूरे हाथ से ही ये टूट रहा है। तो दोस्तों मुझे यहाँ का जो टेस्ट है, ओवरऑल मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट में और थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, तो ओवरऑल ठीक है, एक बार आप आके खा सकते हैं, पर बहुत आपको वाह वाला टेस्ट नहीं मिलेगा, एवरेज है टेस्ट। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो दूसरे जगह से अगर कंपेयर करें तो यहाँ का प्राइस जो है वो थोड़ा हाई है, दूसरे जगह जैसे हम लोग खाए हैं तो वहाँ पर मटन हांडी कम में मिलता है, पर यहाँ का जो प्राइस मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, टेस्ट एवरेज लगा, मटन अच्छे से पका हुआ है इसमें कोई डाउट नहीं है, तीखा चटपटा सा है, और क्वांटिटी भी मुझे लगा कि और जगह थोड़ी सी और अच्छी मिलती है। So, देखिए दोस्तों मटन तो मस्त लग रहा है, और धीरज यहाँ पे है, तो धीरज अब खा के बताएगा कि धीरज को टेस्ट कैसा लगता है। धीरज मटन खाओ। ओवरऑल टेस्ट इसका ठीक ठाक था, बट थोड़ी सी और होनी चाहिए। वो ठीक है, पका ठीक से है, पका पूरा अच्छे से है, पर हमको वो जो हांडी का जो खुशबू होता है ना, जो हांडी में वो नहीं, उतना कुछ पता नहीं चल रहा है, नॉर्मल मटन के जैसा ही लग रहा है, वो हांडी वाला फ्लेवर कुछ नहीं आ पाया। तो दोस्तों इसका जो एड्रेस है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे जाके देख लेना, यहां का कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा, तो अगर आप आना चाहते हो तो एक बार कॉल करके आ सकते हो। पता नहीं थोड़ा सा मीठा मीठा का फ्लेवर आ रहा है, प्याज शायद ज्यादा डल गया है या क्या हुआ है, पर जो संतुष्टि मतलब हर जगह खा के आता है ना, वो ऐसा कुछ हमको नहीं लगा। So, दोस्तों हम लोगों का बिल आया है 490। क्या धीरज क्या बोलता है? 490 थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, 490 थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा। और बाकी बात ये था यहाँ का एक्सपीरियंस हम लोगों का, मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, हो सकता है जब आप आओ तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो अच्छा हो सकता है या खराब भी हो सकता है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब बारी है लकी ड्रॉ का, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था, तो हमें लगभग 90 लोगों का बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आंसर मिला था, और अभी हम लोग क्या करेंगे, 90 लोगों में से 90 लोगों में से 10 लोगों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन का जमाना है और ये जो चीज है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल बायस नहीं होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपके सामने ही ड्रॉ किया जाए, और इसके लिए हम लोग चूज कर रहे हैं एक ऐप जिसका नाम है, आप देख सकते हो, पिकर व्हील, जिसमें हम लोगों ने 90 लोगों को 10 भागों में विभाजित कर दिया है, मतलब कि एक ग्रुप में 9 लोग हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 9 लोग पहले जो है उनके नाम है,
और इसमें हम लोग स्पिन करेंगे और मुझे भी नहीं पता है कि इसमें से किसका नाम आएगा, तो इसमें से एक सेलेक्ट होंगे। इसी तरह से 9 बार हम लोग इसको व्हील को घुमाएंगे, 9 बार अलग अलग लोगों के नाम होंगे और बिल्कुल इसमें से सेलेक्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लकी ड्रॉ और देखते हैं कि आप में से किसका नाम आता है और कौन होते हैं हमारे लकी विनर। और देखिए ये किसी के पास रुका है और हमारे फर्स्ट जो लकी विनर है वो है आलोक लारा। तो ये हमारे एक विनर हुए। तो इस तरह से हम लोग 10 बार इसको करेंगे और कहीं ना कहीं आपका नाम, अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो जरूर आपका भी नाम होगा। तो ये थे हमारे फर्स्ट विनर लारा, आलोक लारा। सो दोस्तों अब है दूसरा राउंड और शायद इस बार आपका नाम हो सकता है इसमें, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। तो इस तरह से इसमें भी 9 लोग हैं और इसमें भी हम लोग स्पिन कर रहे हैं और रैंडम ये है और देखते हैं कि किसका नाम आता है। तो हमारे जो सेकेंड विनर है इसका नाम है लक्ष्मण कुमार। सो ये थे सेकेंड राउंड। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड राउंड की तरफ। दोस्तों ये है थर्ड राउंड के जो भी कैंडिडेट्स कह लीजिए उनके नेम्स और इसमें हम लोग फिर से एक स्पिन करेंगे और इसमें से देखते हैं कि इसमें से किनका नाम आता है। तो इस तरह से हम लोग 9 राउंड 10 राउंड रखेंगे। तो अभी देखते हैं कौन आते हैं। समायरा सिंह, तो ये हमारे तीसरे, ये थर्ड राउंड था ठीक है, तो ये तीसरे नंबर पे हमारे विनर्स हैं समायरा सिंह। तो दोस्तों ये है फोर्थ राउंड। तो आप देख लीजिए इसमें फोर्थ राउंड में नेम्स मैंने दे दिया है। मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए, इसीलिए तो आप लोग फटाफट से इस पॉज करके भी आप देख सकते हो। तो ये देखते हैं अभी किसके नाम आता है। आदित्य पोदार, तो ये थे हमारे फोर्थ विनर आदित्य पोदार। तो अभी 6 बाकी हैं, तो अगर अभी तक आपका नाम नहीं आया तो बिल्कुल आ सकता है। तो बिल्कुल मुझे इन किसी भी लोगों से मैं नहीं मिला हूं, इन लोगों से बिल्कुल मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। तो ये था फोर्थ राउंड। दोस्तों ये है फिफ्थ राउंड और इसमें 9 जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं और अब हम लोग घुमाएंगे स्पिन और देखते हैं कि किनका नाम आता है। तो देखते हैं किस पे जाके रुकता है पहिया। प्रिया टोप्पो, तो ये थे हमारे फिफ्थ राउंड के विनर। 5 हमें मिल चुके हैं, 5 का इंतजार है। तो ये थे 5वें विनर प्रिया टोप्पो। सो फ्रेंड्स ये है 6th राउंड के 9 नेम्स, नेम आप लोग चेक कर लीजिएगा। और चलिए स्पिन करते हैं स्पिनर को और देखते हैं कि किनका नाम आता है। तो आई होप कि किनका नाम आ रहा है, पीयूष। सो हमारे 6 जो हैं वो हैं पीयूष। तो ये है 9 नेम्स और इसमें आप अपना नाम देख लेना और फिर फटाफट से चलिए हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट विनर कौन बनते हैं। तो मैंने स्पिनर घुमा दिया है और ये जिसे भी डिटेक्ट करेगा और घोषित करेगा न्यू विनर तो वो है आलिया खान। तो एक्चुअली 2 आलिया का नाम आया था, तो इंस्टाग्राम पे हम लोगों को ये नाम मिला था आलिया खान, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। सो दोस्तों ये हमारे नेक्स्ट राउंड के जो नेम्स हैं 9 नेम्स और इसमें से फिर हम लोग अभी स्पिन करेंगे फटाफट से। तो चलिए देखते हैं स्पिनर किसको घोषित करता है विजेता। और रुक जा। और ये हैं माही 496। तो इनके इंस्टाग्राम से हम लोगों जो नाम मिला हम लोगों ने वही लिखा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन माही। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट राउंड की तरफ। ओके सो दोस्तों ये है नेक्स्ट राउंड के नेम्स और चलिए फटाफट से देखते हैं कि इसमें से कौन विनर बनते हैं। तो स्पिन करते हैं और देखते हैं। विशाल कुमार पे जाके रुका है, आई थिंक वही है। सो ये है विशाल कुमार। सो यस,
सो दोस्तों ये है लास्ट राउंड और ये थे हमारे पूरे हो रहे हैं 90 विनर्स के नेम। तो ये देखते हैं कि दसवां जो लास्ट विनर है वो कौन है। तो चलिए स्पिन करते हैं इसको और देखते हैं। तो स्पिन हो रहा है और इस तरह से हमें मिल जाएंगे हमारे 10 लकी विनर्स। तो देखते हैं किस पे जाके ये रुकता है। विकास रेहानी, ओके सो कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट मैं कहूँ तो हमारे जितने भी लोगों ने आंसर्स किया था हमारे लिए सारे लोग वो विनर हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना सपोर्ट किए हैं। और इसको मैंने बिल्कुल एकदम फेयर रखा है आप लोगों के सामने जो कुछ भी हुआ है। तो आई होप कि आप लोग पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और जितने लोगों का नाम नहीं आया ना, कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल मिलेंगे। और डेफिनेटली मैं कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उन लोगों को भी बुलाया जाए और जो लकी विनर्स हैं उनको हमारी तरफ से गिफ्ट मिलेगा। बिल्कुल कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा और किस दिन मिलेगा, इनकी जानकारी हम लोग आपको DM करके Instagram पे ही दे देंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ Instagram पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और जो shutup.com है उनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लीजिएगा। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपके साथ में होगी और कोशिश करेंगे कि हम लोग टाइमिंग मैनेज कर ले। तो डेफिनेटली इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और देखते रहिएगा नितीश एंड कुजीन।